सही में इसका कलर बहुत ब्यूटीफुल किया है, बहुत ब्यूटीफुल कलर। और इसका नीचे का फ्रेम बार में लिखा रहता है हरक्यूलिस, वो भी स्टिकर बहुत स्टाइलिश किया है, बहुत स्टाइलिश। और ऊपर की फ्रेम बार में लिखा रहता है डायनामाइट और नीचे छोटा करके लिख दिया ZX। बहुत स्टिकर सही किया, यहीं पे लिखा रहता है मेड फॉर मोर, स्टिकर ज़बरदस्त किया है, कलर तो है ही है। और फ्रेम का जो फ्रंट साइड में लिखा रहता है हरक्यूलिस कंपनी का जो लोगो वो रहता है, और नीचे लिखा रहता है हरक्यूलिस। तो इसका पीछे का जो सस्पेंसर है पहले से बहुत बेटर किया है, ये पहले से स्ट्रॉन्ग था और भी खूबसूरत बना दिया। तो इसका आगे का जो सस्पेंसर है ये भी तो पहले से ही अच्छा था, पहले CP था अभी कर दिया ब्लैक कोटेड, ये भी बहुत बढ़िया सस्पेंसर है। तो हरक्यूलिस का सस्पेंसर अच्छा ही है। और इसका जो हैंडल बार, तो ये एलॉय टाइप का दिखता है लेकिन एलॉय का नहीं है, मेटल का ही हैंडल है ये, सिर्फ इस मैट फिनिश कलर कर दिया और बीच में कर दिया एक 6 नंबर इलांकी वाला बोल्ट कर दिया, आगे रहता है 2 5 नंबर इलांकी वाला बोल्ट। नॉर्मल टी जैसा नहीं है, गियर साइकिल में जैसे आता है ना उसी टाइप का किया है, अच्छा किया है हैंडल बार। तो साइड में जो बोल्ट घाट था वो भी हटा दिया। तो इसका जो ग्रिप है ये भी काफ़ी बढ़िया ग्रिप दिया है, फुल्ली रबर का है। तो इसका पीछे का फ्रेम बार बोले तो बैगस्टे में लिखा रहता है डायनामाइट और नीचे लिखा रहता है www.trackandtrail.in, बहुत खूबसूरत। तो इसका जो पैडल है ये भी तो काफ़ी मजबूत पैडल दिया है और बीच में लिखा रहता है हरक्यूलिस। तो इसका ग्रिपिंग बहुत अच्छा है, स्किड करने का कोई चांस नहीं है, बहुत ही ब्यूटीफुल पैडल दिया है, स्ट्रॉन्ग तो है ही है, साथ ही साथ लुक्स भी बहुत अच्छा है इसका। तो इसका टायर कंपनी ने हिंदुस्तान कंपनी का टायर दिया है। तो इस टायर का जो नाब है ना 20x2.35 का टायर है, तो नॉर्मल MTB टायर से थोड़ा सा मोटा, पहले से थोड़ा मोटा किया है। तो इसका जो स्टैंड ये सही किया, लेकिन इसका स्टैंड का जो पॉइंट किया है ना ये मेरे को सही नहीं लगा, ज़्यादा दिन हो जाने के बाद ये सही से खड़ा नहीं हो पाएगा, तो ये मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो इसका एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका पीछे का जो कैरियर है, तो हरक्यूलिस कंपनी का हर साइकिल पे यहीं पे लिखा रहता है मैक्सिमम लोडेड 30 kg, तो इसमें दोनों साइड वो लिखा मेरे को नज़र नहीं आया, तो इसमें क्यों नहीं लिखा। हरक्यूलिस कंपनी का कोई भी मॉडल पे लिख देता है कंपनी मैक्सिमम लोडेड 30 kg, पता नहीं इसमें क्यों नहीं लिखा। वो भी सस्पेंसर वाला साइकिल, इसमें पहले लिखना चाहिए था। तो इसका पीछे का जो सस्पेंसर है पहले से काफ़ी बेटर किया इसलिए, तो इसका जो दो कनेक्टर है ना आगे और ये पीछे, ये जो कनेक्टर है ना ये पीछे भी सेम, ये जो दो कनेक्टर है पहले मेटल का था अभी ये कर दिया एलॉय का, ये भी अच्छा है। तो इसका ब्रेक, इसमें तो पावर ब्रेक आता है, तो इसमें डाला है कंपनी ने, रुको एक मिनट फोकस लेता हूँ, तो स्पैंडम का ब्रेक डाला है, स्पैंडम का तो काफ़ी सारा डिस्क ब्रेक है, तो ब्रेक इसमें स्पैंडम का दिया है। तो इसका जो मडगट ये भी फाइबर का कर दिया आगे सेम, आगे में भी वैसे ही फाइबर का मडगट दिया, तो काफ़ी खूबसूरत मडगट है, तो मेटल का जैसा नहीं है जैसे कॉम्बर्ड में था वैसी टाइप का है नहीं। तो हाँ इसका व्हील भी बहुत कुछ चेंज हो चुका है। तो इसका व्हील का जो पहला वाला मॉडल में था जो रिम स्पोक सब कुछ CP था, अभी ये ब्लैक कलर का कोटेड कर दिया, तो CP ये सेम सब कुछ था लेकिन सिर्फ ब्लैक कलर का कर दिया, तो इसमें कंपनी का खर्चा थोड़ा बच गया, CP में थोड़ा खर्चा ज़्यादा होता है। तो इसका अंदर जो हॉफ है ना वो भी ब्लैक कलर कोटेड कर दिया, स्पोक रिम सब कुछ देखने में तो सही लग रहा है, तो ज़्यादा दिन हो जाने के बाद अच्छा नहीं लगेगा, जब कलर उगना शुरू कर देगा ना
तो ये हुल का कलर ज़्यादा दिन नहीं रहेगा मेरे ख्याल से। तो आगे का फॉर का जो सेटअप है ना वो भी चेंज हो चुका है, पहले नॉर्मल गोली लगता था तो अभी यहाँ कर दिया जैसे गियर गाड़ी में आता है ना चूड़ी टाइप का गोली सेटअप वही लगा दिया। तो हाँ, डायनामाइट का लुक कैसा लगा? तो ये इसका प्राइस की बात किया जाए तो अभी इसका ऑनलाइन प्राइस है 7,900। तो कोई भी शॉप पे उससे थोड़ा भी कम हो सकता है, 7,500 के आसपास मिल जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।